नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह। टैली के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये टैली का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था टैली के ओवरव्यू के बारे में कि टैली की ज़रूरत क्यों पड़ी, टैली का इन्वेंशन कौन किया, कैसे हुआ और कौन कौन से वर्जन आए। दोस्तों, इसमें हम लोग थोड़ा सा अकाउंट्स के बारे में देखेंगे, बेसिक जर्नल एंट्री कैसे होती है, क्योंकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए जनरल एंट्री बहुत ही मस्ट है। अगर जनरल एंट्री उन लोगों को नहीं आती तो वो लोग मेरे ख्याल से टैली में वर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अकाउंट्स का बेसिक बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टाइप के असेट्स किस किस अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि अकाउंट्स का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। देन दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आगे डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में कि कोई भी सामान अगर डेबिट एंड क्रेडिट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी में, उसके हमेशा दो लेजर उसमें से जनरेट होते हैं। हम लोगों को वही फाइंड आउट करके निकालना है कि इसमें से दो लेजर वो कौन कौन से हैं जिसको हम डेबिट क्रेडिट में एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम कैपिटल की। तो कोई भी बिजनेसमैन जब कंपनी अपनी लगाता है, जब वो कोई भी कंपनी ओपन करता है, तो सबसे पहले मेन चीज, मेन बात जो होती है वो होती है उसकी कैपिटल। कैपिटल यानी कि मेन पूंजी, वो अपने कंपनी के लिए कितना रकम लगा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंपनी है और यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिन्होंने कहा कि ये कुछ रुपए, इन्होंने कहा कि ये 5 लाख रुपए हम कंपनी के लिए लगाएंगे। तो जैसे ही इन्होंने ये 5 लाख रुपए कंपनी के लिए कहा, तो ये 5 लाख रुपए अब इनके नहीं है, अब ये कंपनी को रिसीव हो गए, ये कंपनी को रिसीव हो गए। और कंपनी को क्या मिला दोस्तों? कंपनी को मिला कैश। उस समय बिजनेसमैन अलग है और कंपनी अलग है। उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन बिजनेसमैन एक कंपनी ओनर के तौर पर ही करेगा और रहता भी है। तो यहां पे बिजनेस को मिला कैश, तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक हो गया कैश, और कैश जो लगाया गया है वो किस नाम पे दिया गया है, किस रूप में लगाया गया है। तो दोस्तों, ये कैपिटल के नाम पे कैश लगा हुआ है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें से कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दी। यहां से कुछ अमाउंट इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दी, 2 लाख रुपए। तो इसमें से भी दो लेजर क्रिएट होते हैं दोस्तों। इन्होंने डिपॉजिट क्या किया, इन्होंने कैश डिपॉजिट किया और बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर कुछ जरूरत पड़ने पे इन्होंने बैंक से विड्रॉल किया, यानी पैसा निकाला 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, जब इन्होंने बैंक से पैसा निकाला तो फिर उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। एक तो कैश, इन्होंने कैश रिसीव किया बैंक से, और उसके बाद से इनका जो बैंक अकाउंट है वो लेस हो गया, कम हो गया। फिर दोस्तों, इन्होंने कुछ परचेजिंग की, कुछ खरीदारी की, 50,000 रुपये की इन्होंने खरीदारी की। तो दोस्तों, इसमें सामान इन्होंने खरीदा, सामान इन्होंने रिसीव किया, गुड्स रिसीव किया और कैश इनके पास से चला गया। फिर दोस्तों, इन्होंने सामान बेचा, और जब सामान बेचा तो क्या हुआ, तो दोस्तों इसमें दो चीज़ें आ गई, एक कैश इनको रिसीव हुआ और गुड्स इनके पास से चला गया। फिर इन्होंने मजदूरी दी, वेजेस 500 रुपये। दोस्तों, इनको वर्क रिसीव हुआ और कैश इनके पास से चला गया। इन्होंने सैलरी पे की, इसमें भी दोस्तों वर्क इनको रिसीव हुआ, कैश इनके पास से चला गया। इन्होंने रेंट पे किया, रेंट नाम का अकाउंट इनको रिसीव हुआ और कैश इनके पास से चला गया। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनको रिसीव हुआ और कैश इनके पास से चला गया। इन्होंने टेलीफोन बिल पे की,
टेलीफोन बिल इनको रिसीव हुआ और कैश इनके पास से चला गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारे जो लेजर्स हैं जो एक महीने के अंदर किसी कंपनी में वर्क हुए हैं, ये सारे लेजर। अब हमें देखना है कि इस कंपनी में आगे अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं, इसको डेबिट एंड क्रेडिट में रखते हैं, तो इन जो ये जो दो दो लेजर हमने क्लासिफाई किया है, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है इसको याद रखिएगा। डेबिट यानी कि जो कंपनी की तरफ आ रहा है ये आपका डेबिट होगा, और जो कंपनी की तरफ से बाहर जा रहा है वो आपका क्रेडिट होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें परचेज की, तो कंपनी में गुड्स आ रहा है तो गुड्स यानी कि परचेज डेबिट होगा, कैश जा रहा है तो कैश आपका क्रेडिट होगा। दोस्तों जो कंपनी में प्लस हो रहा है वो डेबिट होगा, जो कंपनी से माइनस हो रहा है वो क्रेडिट होगा। कंप्यूटर पे जब आप करेंगे टैली के अंदर, तो डेबिट को 22 से शो करता है और क्रेडिट को 2 से शो करता है। दोस्तों ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो दोस्तों होता है हमारा, जैसे पहले पहले जो एंट्री होती थी वो सब कुछ आपकी मैनुअल बेसिस पे होती थी, एक लेजर बुक होता था और एक जर्नल बुक होता था, दो बुक्स जनरेट करने पड़ते थे, दो बुक्स बनाने पड़ते थे। तो कौन से लेजर का जर्नल एंट्री हो रहा है उस लेजर बुक में, उस लेजर का नंबर कौन सा है, वो नंबर यहाँ पे डाला जाता था। दोस्तों फिर से समझ लीजिए एक बार, जब हम लोग मैनुअल एंट्री करते थे पहले, जब टैली नहीं था, मैनुअल एंट्री होती थी, तो उसमें एक लेजर बुक बनता था और एक जर्नल बुक बनता था। तो जर्नल बुक में लेजर बुक वाले के लेजर का नंबर कौन सा है वो यहाँ पे हम लोग डालते थे। इसके बाद से आपका डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये दोस्तों 5 कॉलम होता है इसमें, और इस 5 कॉलम में हम लोग एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल की एंट्री हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो भी डेट होगा, जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे, इस जगह पे। और कैपिटल में हमने क्या बताया था कि जैसे यहाँ पे बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए निकाल के अलग रखे, तो कंपनी को आपको कैश रिसीव हुआ, तो जो रिसीव होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कंपनी की तरफ आएगा डेबिट होगा, कंपनी की तरफ से जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो कंपनी को क्या रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बिहाफ पे दूसरा कौन सा है यहाँ पे, ये है कैपिटल। तो यहाँ से कैपिटल टू कैपिटल। दोस्तों जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं, कैश अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और डेबिट के सामने, डेबिट के नीचे ये अमाउंट होगा, और क्रेडिट टू के सामने, क्रेडिट के नीचे ये अमाउंट होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो डेबिट होता है उसको हम लोग हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखते हैं जर्नल एंट्री करते समय, और इसमें यहाँ पे डेबिट लिखना होता है। लेकिन जो क्रेडिट होता है उसके, उसको हम लोग टू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना होता है। दोस्तों इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लें आराम से फिर से अगर समझ में ना आए तो। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग बैंक डिपॉजिट का, यहाँ पे डेट होगा, और बैंक डिपॉजिट में क्या हो रहा है, जब हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो कैश कंपनी से चला जा रहा है, तो दोस्तों कैश क्रेडिट हो गया, और मिला क्या, बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ, तो दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। जो प्लस होगा वो डेबिट, जो माइनस होगा वो क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे अमाउंट आ गया आपका। नेक्स्ट बैंक से जब विड्रॉल कर रहे हैं यानी कि पैसा निकाल रहे हैं, तो कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक हमारा डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट दोस्तों जब हम सामान खरीद रहे हैं तो गुड्स रिसीव हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे गुड्स लिखना ठीक नहीं रहता है, इसलिए परचेज हम लोग लिखते हैं, जो सही तरीका है, परचेज और सेल्स ही लिखा जाता है। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे हमारा डेबिट हुआ, परचेज रिसीव हुआ, टू कैश, कैश हमारे पास से चला गया, कंपनी से चला गया।
दोस्तों यहीं पे जस्ट अपोजिट इसका अगर हम सामान बेच रहे हैं तो सामान बेचने के बिहाफ पे क्या हुआ, सामान हमारा चला गया, कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स हमारा क्रेडिट हो गया। वेजेस है दोस्तों, वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश हमारा चला गया। सैलरी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सैलरी कभी भी बिजनेसमैन रिसीव नहीं करता है, बिजनेसमैन हमेशा सैलरी पे करता है। तो दोस्तों यहाँ से सैलरी अकाउंट डेबिट हुई और कैश पे किया तो कैश कंपनी से बाहर चला गया। रेंट अकाउंट रिसीव हुआ और कैश यहाँ से चला गया। इसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे की तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश, कैश कंपनी से चला गया। टेलीफोन बिल हमने पे किया, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश, कैश यहाँ से चला गया। तो दोस्तों ये आपकी जर्नल एंट्री थी, इसको पॉज करके बार बार आप लोग देख सकते हैं, आराम से देखिए दोस्तों। जर्नल एंट्री जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आगे टैली पे वर्क करेंगे आप लोगों को तो मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये जर्नल एंट्री करा दी है। इसके बाद आगे हम लोग टैली पे वर्क करेंगे और जर्नल एंट्री के कुछ असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ, इन असाइनमेंट्स को आप लोग कंप्लीट करिए और हो सके तो इसका रिज़ल्ट आप लोग हमें पोस्ट मेल कर सकते हैं। एक स्नैपशॉट लेके कॉपी पे करिए, उसका स्नैपशॉट लेके हमको मेल कर दीजिए, उसका रिस्पांस आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और अगर सही कर रहे हैं आप लोग तो अच्छी बात है, बाकी मैं इसके साथ में क्वेश्चंस अटैच कर दे। दोस्तों ये आपका असाइनमेंट है, यहाँ पे असाइनमेंट दिया हुआ है पूरा, कैपिटल 50 लाख रुपए, बैंक डिपॉजिट, बैंक विदड्रॉल, परचेज कैश, परचेज बैंक, परचेज एबीसी। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये परचेजिंग जो आप कर रहे हैं ये कैश के थ्रू कर रहे हैं, दूसरे पर्सन दूसरी जगह से जो परचेजिंग हो रही है ये चेक दे के हो रही है, तीसरी जो परचेजिंग हो रही है ये उधार में हो रही है, ये क्रेडिट बेस पे हो रही है जो एबीसी नाम के बंदे से हो रही है। सेल्स कैश, सेल्स बैंक, सेल्स एक्स वाई जेड सेम। इसके बाद से आपका फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, लैंड है, एप्रिसिएशन ऑन लैंड है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, कस्टम चार्जेज है, गोडाउन रेंट है, वेजेज है, सैलरी है, फ्यूल है, कोल गैस एंड वाटर है, इंपोर्ट चार्जेज है, एक्सपोर्ट चार्जेज है, लैंडिंग चार्जेज है, लॉ चार्जेज है, कमीशन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, सैम्पल एक्सपेंसेस है, रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है एंड फ्रेट है। दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, ये असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट्स को आप लोग कंप्लीट करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस असाइनमेंट्स का आंसर भी ऐड अप करके दूंगा और फिर नया असाइनमेंट दूंगा। थैंक यू, मेरे चैनल को देखते रहिए और ये मेरी मेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को सर्च करने के लिए टैली बाई विष्णु सर youtube.com पे लिखें और इससे मेरा चैनल आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचेगा जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी इसको सीख सकते हैं, जिससे कि किसी न किसी माध्यम से किसी की मदद हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।